गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ आज हो गया। अभी हम लोग खाना वाना खा रहे, आज सुबह से बिजी थे तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। कल कोजागरी पूर्णिमा लक्ष्मी पूजा था तो वो सब करके, और उसके बाद में लूनर एक्लिप्स भी था, चंद्र ग्रहण, तो उसके लिए आज सुबह से उठ के हमको नहाना धोना ये सब करना पड़ा, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, इतने बिजी थे। यहाँ पे देखिए, और एक जन अपने स्ट्रॉलर में पूरा एकदम एंजॉय कर रही है, तो इसको सिखा रहे हैं, अभी नया नया स्ट्रॉलर में है तो उसको यूज टू करा रहे हैं, नहीं तो फिर वो नहीं घूमेगी। देखिए तो गाइज, अभी हम खाना वाना खा के एक जगह जाने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए, दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल अभी खाना खाएंगे हम सब कोई, सिंस कोजागरी पूर्णिमा पूजा लक्ष्मी पूजा था तो कल वेज था, तो आज हम नॉन वेज खा रहे हैं, तो आज पूजा ओवर है। तो आज है मांस ना वा, आज फिश और जो हम दाल रोज खाते हैं। तो ठीक है, खाना वाना खा के उसके बाद मिलते हैं। हम लोग सब रेडी है, अभी निकल रहे हैं। शुतु अपने स्ट्रॉलर में रेडी है और पानी की कुछ बॉटल यहाँ पे है, तो निकलते हैं। तो अभी बजा है 3:05, होपफुली 4 बजे पहुंच जाएंगे। 1 घंटा लगता है यहाँ से, 1:17 दिखा रहा है, तो आपको जाके बोलते हैं। और हम जा रहे हैं आदियोगी कर्नाटका में, जो नया वाला जो बना है, कोयम्बतूर में तो एक है तो ये कर्नाटका में नया बना है, तो आपको दिखाते हैं कैसा बना है ये। अभी भी इनिशियल स्टेज में है लेकिन जाके पता चलेगा कितना डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो रोड ट्रिप आपको दिखाते हैं कैसा है रास्ता और सब कुछ, ताकि आप भी प्लान कर सको। तो चलिए चलते हैं। तो जर्नी स्टार्ट हो गई है, एयरपोर्ट जाने का रास्ता है ये। ये रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, ट्रैफिक भी नहीं है, खाली है, और रास्ता भी पूरा नया बनाया हुआ है। फर्स्ट टाइम हम लोग इस रोड पे आए हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है ऑन द वे। दबस पेटा स्ट्रेट जाने से सेला घाटा हॉस्पिटल है इस तरफ, और यहाँ पे पूरा फार्मिंग है। एयरपोर्ट इस तरफ है, लेफ्ट साइड हम लोग को जाना है स्ट्रेट। हैदराबाद भी इस तरफ। तो ये रोड बहुत सारा प्लेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा बोट, हम जा रहे हैं चिकबलापुर, और अभी हम लोग जा रहे हैं चिकबलापुर। तो अभी सुतु सोने का टाइम हो गया उसका, उसका मम्मम हो गया है, आज बहुत साइलेंट है वो, उसको पता हो गया ये ट्रैवलिंग के टाइम में हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे, तो आज कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रही है, वो खुद से खेल रही है और खुद से सोने का ट्राई कर रही है। ये देखिए हंस रही है, से हाय दिवस का, हाय यस गुड गर्ल, बोलो सबाई के आशो 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 अमर बाड़ी आशो, बोलो आशो आशो आशो, बोलो बोलो ब्लेसिंग्स दाओ अपनारा আমাকে, আমার ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। আমি ছোট্ট সোনু মুনু। ইয়ে দেখিয়ে রোড ইজ ভেরি ভেরি বিউটিফুল, পতা নেই আফটার ফিউ ইয়ার্স ক্যা হোগা, লেকিন আভি তো ফিলহাল বহুত হি সুন্দর হ্যায়, বহুত হি আচ্ছা হ্যায়। মাউন্টেন্স ভি দিখ রহা হ্যায়, দেখো আগে মাউন্টেন্স ভি দিখাই দে রহা হ্যায়। ইয়ে আপকা লগ রহা হ্যায় দেখনে মে, ইয়ে বনারঘাটা রোড জব হম লোগ জাতে হ্যায় না, तो वही रोड जैसा लग रहा है, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, पहाड़ दिखाई दे रहा है। 6 लेन रोड है पूरा, 6 लेन, इस तरफ 3, इस तरफ 3, 6 लेन रोड, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे लिखा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो सब दिखाई देगा अभी। देखिए कितना अच्छा, अगर आपको नजर आ रहा नहीं, दूर तक माउंटेन्स दिख रहा है और वही है नंदी हिल्स। ऑन द वे हम लोगों को अभी टोल गेट मिला है, अभी तक ये टोल गेट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं पता, क्योंकि रोड तो नया है, तो देखते हैं। नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, अमाउंट कटता है कि नहीं है या ऑटोमेटिक है पता नहीं।
अभी तो है यहाँ पे, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ क्योंकि क्योंकि हाँ तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिला है हमें, ट्रैफिक इन द सेंस अभी हम उस रोड से आए। हाँ सेम रोड से आए, नहीं तो इधर से आए, उस रोड से आए। अच्छा राइट साइड से आए, यू-टर्न निकले के यू-टर्न लेके। ठीक है, मेरा क्या बोलना, आप लोगों ने बोल दिया। तो यहाँ पे सिग्नल मिला है, फर्स्ट सिग्नल हम लोगों को, तो 3:40 हो गया है, देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं। 46 मिनट्स दिखा रहे हो। नंदी की यही दिखे, नंदी हिल से दिखे, इधर से ही नंदी हिल जाएगा, नंदी हिल लेफ्ट साइड देखा कैसे। और ये नंदी हिल का ये होटल भी है यहाँ पे, वही देख के मुझे लगा यहाँ से नंदी जाता है। नंदी उपाचार बोल के कोई रेस्टोरेंट भी है। अच्छा है, हम लोग इतना सामने आया नहीं नंदी हिल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे नंदी हिल, अगर ट्रैवल करेंगे नंदी हिल्स। बहुत सारा ढाबा आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए पहाड़, पहाड़ियों पे घर, स्कूल, सब अलग सी दुनिया है ये। शायद यहाँ पे कुछ टेंपल भी है, वहाँ पे कर्नाटका का फ्लैग भी लगाया हुआ है पहाड़ के ऊपर, और कर्नाटका का मैप भी बनाया हुआ है फ्लैग के साथ। नीचे में तो पूरा घर ही घर है। तो अभी 34 मिनट्स दिखा रहा है, और आप रोड देख सकते हो, पूरा मक्खन है रोड, बहुत ही सुंदर। वेदर थोड़ा सा खराब है, बट आई थिंक बारिश वारिश तो आना नहीं चाहिए। आदि योगी जाने से पहले 20 मिनट्स पहले आपको ये बाहर में वेजिटेबल्स वगैरह मिले, वेजिटेबल नहीं फ्रूट्स वगैरह मिलेगा ऑन द वे। अच्छा पूरा फ्रेश मिलेगा तो, और यहाँ से आप ले सकते हैं। और इस साइड आपका कुछ होटल है, कैफे है, हैशटैग कैफे जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। और हमने भी कुछ लिया है, यहाँ पे मकई है बहुत सारा, ऑन द वे में मिल जाएगा आपको। और गाड़ी सब पार्किंग कर करके आदमी लोग खरीद रहे हैं। तो ये रहा, हम लोग अंदर की तरफ घुस गए हैं। अभी दिखा रहा है 19 मिनट्स। आसपास में बहुत सारा घर वगैरह है ऑन द वे, गांव का घर वगैरह है, गांव है। ये देखिए इट्स सो ब्यूटीफुल, इसे बोलते हैं छोटा लद्दाख विदाउट स्नो। ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई छोटा लद्दाख नहीं है, बट देखो एक पॉन्ड जैसा है, लद्दाख जैसा ही स्टोन्स। ये देखिए यहाँ पे वो भी है, पॉन्ड है ना, रिवर है ये। तो यहाँ पे थोड़ा हम स्टॉप किए दिखाने के लिए आपको, ये देखिए पूरा मस्त जगह है, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे वोटिंग। अगर इसको थोड़ा कमर्शलाइज किया तो ये भी शायद वैसा ही कुछ हो जाएगा, बट सबको यहाँ पे स्टॉप करके वीडियो ले रहे हैं। बट स्टोन्स भी आई थिंक यहाँ से ले जाते हैं सेल करने के लिए, बट लुक एट द व्यू, इट्स वेरी नाइस व्यू। लेक भी छोटा सा है यहाँ पे, एंड लुक एट दिस, क्या मस्त लग रहा है। सरसों का खेत, और सरसों का खेत के वहाँ पे पूरा ये देखो गाइस, सरसों का खेत, और इसके यहाँ पे ये माउंटेन्स। बट लुक एट द व्यू गाइस, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये टर्निंग भी इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। उधर आगे थोड़ा सा क्लाउड से निकल के सन रेज आ रहा है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे माँ और बेटी,
यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं और आप देख ही सकते हो आदि योगी का बड़ा सा एक एंट्रेंस गेट, सतगुरु का एक होर्डिंग भी है राइट साइड में। बट ये रोड थोड़ा ठीक नहीं है, रोड तो बन रहा है ना, और अभी वैसे भी ये नया नया खुला है। वो मैंने थोड़े वीडियोस देखे थे, वहाँ पे दिखा रहा था 11 मंथ्स बैक जो रोड कंडीशन है अभी भी वही है, तो पता नहीं मे भी ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। ऐसा नहीं है, टूरिस्ट लोग तो बहुत दिख रहा है, इवन सारे वीडियोज़ में ये दिखता है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं, बट अभी तक रोड अभी तक बना ही नहीं है। थोड़ा सा इसमें काम करना चाहिए, रोड बनाना चाहिए। रोड कंडीशंस आर नॉट दैट ग्रेट। एज सून एज यू एंटर द आदि योगी का गेट के अंदर से, तब उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते कि वहाँ से रोड अच्छा हो, बट नहीं, रोड अभी तक बना नहीं है। पता नहीं है क्या एक्स वाई जी रीजन है, बट हाँ रोड अच्छा नहीं है। तो पार्किंग चार्जेस 50 रुपीज़ है, और मेक श्योर गाइस अगर आप पार्क करते हो तो उसका लोकेशन सेव कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। गाइस हम लोग पहुंच गए और आप देख सकते हो पार्किंग एकदम पूरा डेंजरस पार्किंग है। अभी भी माउंटेन काट के कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पार्किंग पूरा पार्किंग है, बट इट्स लवली प्लेस। चारों तरफ माउंटेन और बीच में शिव का। हम लोग पहली बार आए हैं तो पता नहीं, सब पे चप्पल खोल के आ रहे हैं, पता नहीं हम लोग तो बिना चप्पल खोल के आ रहे हैं, शायद अंदर में होगा चप्पल का सिस्टम। हाँ, किसी ने जूता पहना हुआ है, थैंक गॉड, क्योंकि बच्चे को लेके इट्स वेरी डिफिकल्ट चप्पल बिना जाना। तो जाते हैं हम लोग मंदिर का दर्शन करके आते हैं। मंदिर का दर्शन हो गया, अभी हम जा रहे हैं स्टैचू के पास, आदि योगी स्टैचू के पास। इमेंस स्टैचू, ह्यूज। यहाँ पे आने से आपको पता चलेगा, लगता है कि शिव का आधा पार्ट जो है वो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। ये ऑर्केस्ट्रेशन जो हुआ है इसका यहाँ पे लेजर शो का, मानना पड़ेगा, मीन नाइसली देव डन, जो आपको दिखाएंगे, जो 7 PM को हर एवरीडे होता है ये इसका लेजर शो। सराउंडिंग्स कुछ ऐसा त्रिशूल से रखा है। hmm.
ये वाले पार्ट सब बेंड है पता नहीं क्यों, काइंड ऑफ डेंजरस। यस सी हाउ ह्यूज इट इज, स्टोन तो पक्का नहीं है ये कुछ, ये आई थिंक नहीं नहीं स्टोन नहीं है, दिस इज मेटल गाइस, मेटल या कुछ मटेरियल तो यूज़ किया गया है, दिस इज नॉट स्टोन एज यू कैन सी, देयर इज अ डोर इनसाइड। सराउंडिंग्स इज लाइक दिस ब्यूटीफुल माउंटेंस, दिस इज लाइक लुक एट द सन रे, वाओ लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस टू हैंग आउट स्पेशली इन द इवनिंग, सुबह को आगे तो गर्मी से हाल खराब हो जाएगा। गाइस ये जो आप गले में जो देख रहे हो ये एक्चुअली में रुद्राक्ष है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये रुद्राक्ष से बहुत सारे रुद्राक्ष मिलाकर एक चेन जैसा बनाया है और इसका एक माला है, अमेजिंग। गाइस यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, देखिए सारे रुद्राक्ष है ये सब, पूरा रुद्राक्ष को ज्वाइन करके एक साथ में माला जैसा बनाया गया है, वाओ। और हमारा वीडियोग्राफी हो गया, और शुतु यहाँ पे सो रही थी, नींद से उठ गई वो, देखो की है का? घूम ओखनो जाए नहीं पूरा टाइम में, कुछ ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद में शुरू होगा लेजर शो और बैकग्राउंड पूरा ब्लू है, मैं दिखाता हूँ आपको, एंड लुक एट द क्राउड गाइज, एटलीस्ट 5,000 से 6,000 लोग तो यहाँ पे पक्का होंगे। Avoid standing during the show. Please avoid using your mobile phone torch lights during the show. सो गाइज ड्यू टू यूट्यूब कॉपीराइट कॉन्स्ट्रेंट मुझे यहाँ पे पूरा वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं और एक वीडियो डाल रहा हूँ उसमें पूरा ये लेज़र शो वहाँ पे दिया हुआ है, तो एक वीडियो में कॉपीराइट फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी जो यहाँ पे है ये छोटे छोटे क्लिप्स है, तो बाद में आप जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, उसमें पूरा लेज़र शो दिया हुआ है, और यूज़ हेडफोन्स गाइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस। योगी हम लोग रास्ता भूल गए थे, उल्टा पुल्टा उस तरफ हम लोग चले गए थे, हम लोग एक्चुअली रखे थे गेट के इस तरफ में गाड़ी, ये हमारा गाड़ी और हम लोग उस तरफ चले गए थे, इस तरफ मंदिर है और इस तरफ गेट है, तो हमको फिर से अपना रिकॉर्डेड वीडियोस देख के उसके बाद में हमको पता चला कि हम लोग गाड़ी यहाँ पार्क किए, तो यही होता है यूट्यूबर का प्लस पॉइंट, वीडियो देख देख के हमको पता चल जाता है कहाँ पर है गाड़ी। तो अभी हम लोग जा रहे गाड़ी के तरफ मामा जी और श्रितिका को वहाँ पे बैठा के, क्योंकि अनु को टॉयलेट लगा था तो वहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे पीछे में आपका टॉयलेट भी है, साफ़ है, आप यूज़ कर सकते हो, पानी वानी सब कुछ है, और वहाँ पे कोई पेमेंट भी आपको पैसा भी देना नहीं पड़ता टॉयलेट के लिए फ़िलहाल, मे बी सारा सब कुछ कंस्ट्रक्शन होने के बाद शायद से देना पड़े, बट अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है, टोटली कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अब जैम देख सकते हो, क्या जैम है, देखिए यहाँ पे है आदियोगी का टेंपल, ये है गेट, और ये देखिए जैम, देखिए गाड़ियों का समुंदर, देखिए वो रही हमारी गाड़ी, रात को जब आइएगा ये सब रस्सी देख के जाइएगा, देखिए फट से आप गिर सकते हो, थोड़ा नज़र से
देख के। और हमारा गाड़ी यहाँ पे है, तो अभी हम निकलते हैं। तो देख ही सकते हो गाइस कितना जैम है। तो ये सारा जैम पार करने के बाद फिर हम जाके मेन रोड पहुँचे। एटलीस्ट यहाँ पे हमको आधा घंटा जैसा जैम में फंसा हुआ रहना पड़ा है, क्योंकि गाड़ी मतलब कहाँ से इतना सारा गाड़ी आ गया हमको पता ही नहीं चला। जब पार्किंग से निकल रहे थे तो भर भर के इतना था, हमको एटलीस्ट 20 मिनट या 25 मिनट हम वहीं पे वेट किए सब गाड़ी आधा जाने के लिए, उसके बाद हम जाके निकले वहाँ से। तो यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में अभी खड़े हुए हैं क्योंकि हमको भूख लगा है रात को। रेस्टोरेंट का नाम है इम्पीरियो रेस्टोरेंट। तो जा रहे हैं अभी, इसमें देखते हैं क्या मिलता है अभी खाने के लिए, फट से कुछ खा लेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिनर। हम लोगों ने लिया पनीर, वेज पुलाव और क्या पुलाव है, ये मशरूम पुलाव और कबाब। तो मामा जी तो पूरा प्योर वेज है, तो इसीलिए हम दोनों खा रहे हैं कबाब। चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। घर पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा, तो आपको ये वीडियो ये भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, एक नए वीडियो पे। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा हमारे चैनल को। ओके बाय मामा, बाय बाय।